हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा। अभी बज रहे हैं सुबह के पाँच अभी नहीं बजे हैं दोस्तों। और अभी कल हमने जहाँ से व्लॉग की एंडिंग की थी ना, वहीं से हमने दूसरा व्लॉग शुरू कर लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ जहाँ पे बस स्टैंड है गोरखपुर का, जस्ट उसके बगल में ही गार्डन है, तो यही गार्डन में हम लोग बैठे हुए। ये छोटा सा गार्डन है और सामने दिख रहा है भोलेनाथ जी का मंदिर इधर। तो वहाँ पे भी लोग सुबह सुबह आ रहे हैं, सारे लोग जो है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं। और पीछे दिख रहा है मुझे कोई कार्यालय ही है। क्या लिखा था अभी, कुछ आयुक्त परिषद कार्यालय, कुछ ऐसे आयुक्त कार्यालय परिषद कुछ ऐसे करके है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों और नहाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह हम अपने ले के आए हैं। सुषमा का भी इसमें है और मेरा भी है, पर्स में हमारे जो ज़रूरी सामान है वो हैं। तो हम तैयार हो जाते हैं और आज के ब्लॉग में क्या कुछ होने वाला है खास, तो वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। ब्लॉग को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में। और अभी हमें यहाँ से जाना है। ऐसा ब्लॉग पहली बार मिलेगा आप सभी को इस चैनल पे। चैनल पे दोस्तों मैं पहली बार घर से निकली हूँ मेरे वीडियो के लिए, और मतलब काफ़ी दिक्कतों का हमने सामना भी किया। ट्रेन पहले छूट गई हमारी, फिर उसके बाद बस हमने पकड़े, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 बजे से आके हम लोग बैठे हैं। तो यही सारी दिक्कत है जो अभी चल रही है। तो देखते हैं कि कैसे और कब तक क्या होता है। ये आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, सारी अपडेट मैं आप सभी को देती रहूँगी। और ख़ास तौर पे मैं वीडियो ही यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ, आप सभी को दिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी कष्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम लोग को पहली बार घर से बाहर निकलने को मिला है, मौका मिला है। हम लोग कहीं निकल नहीं पाते हैं दोस्तों। और इधर मैं थोड़ा सा आप सभी को आइए दिखा देती हूँ, अपने ही शहर में हम लोग रह जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग सरकारी कार्यालय में ही बैठे हैं। मौसम अच्छा खासा था, लेकिन पता नहीं अचानक से एकदम मौसम बिगड़ गया है। धूल मिट्टी का पूरा मेकअप पूरे चेहरे पे हो गया। हम लोग नहाने वाले थे, अच्छा हुआ कि नहाए नहीं है, तो पूरा एकदम से आंधी आंधी हो गया। बारिश भी बड़ी बड़ी बूंदी टपक रही है। और आके हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये सरकारी कार्यालय जो मैडम और सर लोग बैठते हैं ना, वगैरह संस्था वगैरह सारी चीज़ें लगी है, तो हम लोग यहीं पे आके बैठ गए थे। और फोन चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी मिल गया था, लेकिन बस दिक्कत ये है कि बारिश ज़्यादा ना हो, आंधी ज़्यादा ना आए, जो हम लोग घर से बेघर है फिर बहुत बुरा हो जाएगा। और जो आप पहुँचना है पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता है। तो बस जल्दी से ये भगवान जी ठीक कर दे, सारा कुछ मौसम एकदम नॉर्मल हो जाए, तब हम लोगों की जान पे जान आए, नहीं तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। और सुषमा को देखिए घूंघट करके बैठी है दुल्हनिया बन। सरकारी कार्यालय की दुल्हनिया आग में पड़ जाएगी, धूल ना तो फिर दर्द करने लगेगी। लेकिन पानी की हवा बहुत तेज चल रही है, बारिश देखिए 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 दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी छींटे पड़ रही है, ये देखिए। देख रहे हैं पूरा मौसम बिगड़ गया है, अब तो थोड़ा डर भी लगने लगा है। देखिए दोस्तों बारिश भी होने लग गई है, और काफी बारिश होने लग गई, बड़ी बड़ी छींटे पड़ रही है, यहाँ तक कि यहाँ से पानी भी टपकने लग गया है। दोस्तों बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार बारिश हो के बंद हो चुकी तो जान में जान आई थी, पर अभी फिर से बारिश होने लगी है, और उससे भी ज़्यादा बारिश होने लगी है। अब तो हमें यहाँ ठंड भी लगने लग गई है, लगता है कि मोटे कपड़े पहन के आते तभी अच्छा रहता। क्या बताएं दोस्तों, मतलब गोरखपुर में हमारा ऐसा स्वागत होगा हमने सोचा भी नहीं था। इतनी जोरदार बारिश और आंधी के साथ
मतलब ये बारिश की पहली, मतलब कि बरसात की पहली बारिश है जो गोरखपुर में हमें मिली है, और हमारे इलाहाबाद में तो बारिश भी नहीं हुई है अभी तक। मैं घर पे फ़ोन की और वहाँ मैंने पता किया तो वहाँ पे सिर्फ हल्की सी आंधी आई है, ना बारिश हुई ना कुछ, अच्छा खासा वहाँ पे धूप है और गर्मी भी लग रही है। आवाज़ें शायद ज़्यादा नहीं आ रही होगी क्योंकि ऊपर टीन है ना, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों अभी 8:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने नहा लिया। नहाने के बाद कपड़े भी हमारे चेंज हो चुके हैं, सुषमा अभी तैयार हो रही है, बाल वगैरह मैंने अभी नहीं झाड़े हैं और ना ही चेहरे पे कुछ लगाया। बिंदी निकल गई थी, वही बिंदी हमने लगा लिया। और साड़ी, ये मेरा पिछले एक साल का ब्लाउज सिला हुआ है दोस्तों, ये कॉटन की साड़ी थी। मैंने सोचा गोरखपुर में, वहाँ इलाहाबाद में भी इतनी गर्मी है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी गर्मी होगी, उसी हिसाब से मैं कॉटन की साड़ी लेके आई थी। लेकिन आने के बाद यहाँ तो सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, यानी कि ठंड लगने लगी थी। तो ये कॉटन की साड़ी थी, पिछले एक साल से मैंने इस ब्लाउज़ को पहना भी नहीं था, एकदम से लूज था। यहाँ से तो ठीक है पर कमर से एकदम लूज है। तो पिन लगा के मैंने जैसे तैसे मैनेज किया है इसको। घर में कितना भी कपड़ा रहे लेकिन कहीं जाओ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बस दिक्कत ये हुई कि मैं घर पर नाप के नहीं लेके आई, तो भैया यहाँ पर आए चाय लेने के लिए, देखते हैं। सिर्फ चाय लीजिएगा भैया, नहीं है क्या मिल जाएगी? चलते हैं दोस्तों, बैठ जाते हैं यही चेयर पे। आज उस चेयर पे हम लोग बैठे हैं जहाँ पे शायद बड़े बड़े अफसर और क्या मैडम लोग बैठती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ताले, सारे ताले में लॉक लगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह एक मैम हमें दिखी थी, पीछे जो दिख रहा है ना शायद सबका रूम है, और ये कार्यालय है इधर का। तो अभी 10 बजे ये खुल जाएगा। पता है दोस्तों, हंसी आप लोगों को इस बात पे आएगी कि हम लोगों ने मतलब नहा धो के यहीं पे पूरा अपना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, कहीं हमें जाना भी नहीं पड़ा। पूरी बारिश से ही हमको बचा दिया। और टेबल चाय मीठी नहीं लगेगी। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोगों की आ चुकी है चाय, और सामने है ये ढाबा जो अभी मैं दिखाई हूँ आप लोगों को। तो चाय पी लेते फिर उसके बाद हम लोग मीठा खाएंगे, तो पानी पियेंगे मीठा खा के। वैसे तो भैया बोल रहे हैं पहले मीठा खा लेते हैं। मज़ा आ रहा है गोरखपुर की चाय में, कैसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है धुआं धुआं सा लग रहा है। पान की कभी पीती ही नहीं है, ऐसे कहीं घर से जब निकलना होता है ना तभी चाय। पर टेस्ट अच्छा है। 10 का चाय, 10 का। और देखो सबका नाम भी लिखा है, अच्छा सबके चेयर के सामने। तो वहाँ से दोस्तों सामने से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पूरा चेयर, और जिस केबिल में जिनका अलमारी और लॉक संदूक लॉक करके रखा हुआ है ना, उनका नाम भी सामने लिखा हुआ है। तो सब पे पूरा लॉक लगा है। मैं पास से आप सभी को दिखाऊं, ये देखिए ये संदूक दिख रही है ना, इसमें भी लॉक लगा है, और ये चेयर भी लॉक किया गया है। ये देखिए जिनका जो है अपना अपने हिसाब से उन्होंने लॉक करके रखा है। और इधर भी देखिए लॉक है ना, दिख रहा होगा, उधर भी एक संदूक रखी है वो भी लॉक है। एकदम सबसे पीछे टंकी के पास एक संदूक रखी है वो भी लॉक है, यानी सारी चीज़ें लॉक है। और इधर बॉक्स बना हुआ है टेबल के नीचे, तो उसको भी लॉक करके रखा गया है। तो सबसे नज़दीक हम लोग बैठे संदूक के, ये वाले संदूक के पास, तो इसमें अपना कागज़ वगैरह सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा और सुषमा का हो रहा है नाश्ता, इनके हस्बैंड जी और हमारे देवर जी ने कर लिया है, और चाय अभी पी ही रहे हैं। तो बस चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। और ये देखिए दोस्तों चाय नाश्ता हमारा हो गया है, और घर से भी हम लोग नमकीन वगैरह लेके आए थे तो चाय के साथ वो हमने कर लिया है। और इधर से हम निकल ही रहे थे, फिर हमें अचानक से याद आया कि चलो एक सेल्फी फ़ोटो ले लिया जाए, क्यों ना यहाँ की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो बस फोटो वगैरह हमने लिया सुषमा के साथ, और हम दोनों अपना अलग चल रहे हैं, इनके हस्बैंड और देवर जी हमारे जो हमारे दोस्तों इनको हम पास के हैं बोलते हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ से निकलते हैं। बेचारा बहुत साथ दिया हमारा, विकास भवन इधर सामने दिखाई दे रहा है गोरखपुर का। और ये रही बस, तो बस तो हमें लेना है नहीं, हमें लेना है ई रिक्शा। तो ई रिक्शा ये भैया लोग गए हैं, देखते हैं हो गया सुषमा, एक हुआ बस, कितना 20 रुपये, 10 रुपये लगते हैं भैया वहाँ, 80 वो 70, 40 रुपये लगता है ये। तीन किलोमीटर
दस तो लगता है। चलो 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 कोई बात नहीं। तो फैमिली ई रिक्शा में मिल गया, अब हम लोग ई रिक्शे पे बैठ रहे हैं और फिर पहुंचेंगे गार्डन। तो दोस्तों गोरखपुर के बी पार्क में हम लोग आ चुके हैं और गोरखपुर बस स्टैंड से यहाँ पे यहाँ तक का 15 रुपए किराया लगा है, पर जो भैया से हमसे बात हुई थी ना उन्होंने कहा 10 ही रुपए किराया लगता है, पर 15 इन्होंने ले लिया। कोई बात नहीं, जानकारी नहीं थी हमें, तो जानकारी के लिए भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत होती है ना सुषमा। तो सुबह से ही व्लॉग जो है वो स्टार्ट है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो एक वीडियो क्रिएटर हैं उनका शायद एनिवर्सरी है यहाँ पे, तो इसी गार्डन में उन्होंने फंक्शन रखा है और यहाँ पे हमें मतलब कि कह रहे हैं कि काफ़ी सारे यूट्यूबर बड़े बड़े आने वाले हैं, तो उनसे हम मुलाकात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। और एक भैया हैं गोरखपुर, उनसे जिनका हमारा संपर्क था, हम सुषमा से संपर्क था पहले, फिर मुझसे संपर्क हुआ, अभी तक तो मैंने उनसे बात भी नहीं किया है, मिल के ही उनसे मैं बात करूँगी। तो उन्होंने ही हम लोगों को इनवाइट किया, तो उन्हीं की तरफ से हम लोग आए हैं गार्डन में। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से यूट्यूबर आते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद कुछ लोगों का तो मूड ही बदल गया होगा, मूड बदल गया होगा। देखते हैं कि क्या कुछ कैसे होता है। वीडियो आप सभी पूरा देखते रहिएगा, वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो जैसा भी लगे आप सभी कमेंट करके बताइएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़। काफ़ी दूर से हम लोग चल के आए हैं और बहुत मेहनत की है, और अनजान शहर में आना, घूमना और चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों गार्डन में आने के बाद गार्डन का पूरा लोकेशन हम लोगों ने चेंज मतलब चेक कर लिया है। वैसे तो पूरा नहीं घूमे, पर कुछ जगहों पे घूम लिए हैं, देख लिए हैं कैसा है। यहाँ रूम वगैरह कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक रूम दिख रहा है। अच्छा हुआ कि बारिश में हम लोग वहीं पे ठहरे थे। और अभी देखिए मैंने बाल में कंघी नहीं किए थे, तो थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया और तैयार भी हो गई हूँ। तो हम लोग निकल रहे हैं वापस फिर से गार्डन से बाहर। यहाँ पे कोई कॉस्मेटिक जो शॉप मिल जाए तो हम सोच रहे हैं कि कोई सामान ले लेते हैं, जिनका सालगिरह है तो उस हिसाब से अपना जो कुछ दिख रहा है तो वो हम ले लेते हैं। देखते हैं क्या ले पाते हैं क्या नहीं, बाहर निकलते हैं पहले देखते हैं मार्केट मिलता है कि नहीं मिलता है। गोरखपुर के बी पार्क में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर नहीं मिला, तो हम चल रहे हैं सामने चौराहे पे, चौक पे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत बुरा लगता है और पहले से गोरखपुर में हमने ध्यान भी नहीं दिया कि कुछ ले लेते हैं। शोर शराबा काफ़ी है दोस्तों, मार्केट पहुँचते हैं तब आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ का सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है जो बहुत ही गजब का लग रहा है देखने में। मतलब इन सारी जगहों पर तो हम पहली बार ही घूमे हैं, पहली बार ही आई हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है देखने में घूमने में। क्या करें, यहाँ चलते हैं, एक टी शर्ट ले लेते हैं, क्या देखते हैं कैसे हैं। टी शर्ट क्या करूँ, अरे देने के लिए दोनों दिन का तो वो है एनिवर्सरी है भगवान। दोस्तों हम लोग परेशान हो गए एकदम, बी पार्क से हम लोग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आ गए हैं, यहाँ पे एक भी मार्केट नहीं मिला और सुबह के भी 10 बजने वाले हैं दोस्तों, 10 नहीं बजे हैं, 9:30 से ऊपर हो गए, पर एक भी मार्केट अभी तक खुला नहीं है। बहुत दिमाग ख़राब हो गया और चप्पल से मेरा जो है वो पैर भी कट गया है, तो एकदम से मैं थक गई हूँ, पर काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पूरा गोरखपुर मार्केट हम लोग घूम के आ गए थे, लेकिन एक भी दुकान खुली नहीं मिली थी और पैर में जो है वो छाले भी पड़ गए थे। चप्पल मुझे भी दूसरा लेना था, कोई कॉस्मेटिक स्टोर वगैरह कुछ भी नहीं खुली थी, है ना सुषमा, एकदम हम लोग परेशान हो गए थे। बहुत दूर तक घूम के आए हैं पैदल, इतना तो पैदल हम बैठ के यहाँ आराम करने लगे, अब क्या करें। नेवला देखो, पहली बार यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों को पता भी नहीं था, पूछ पूछ के अपना दोनों घूम के आ गए, मालूम नहीं था कि कहाँ मार्केट है, कहाँ क्या चीज मिलता है, पूछते पूछते गए लेकिन वहाँ दुकान नहीं खुली थी। फिर दुकान वाले भैया के पास
कॉल भी किए हाँ तो उनके दुकान में नंबर था, आएंगे तो हम लोग 10:30 बजे उनको आना था और हम लोग 9:50 पे उनके दुकान पे खड़े थे। हाँ। तो कितना वेट करते, फिर वहाँ से हम लोग रिक्शा किए। कोई दुकान खुली ही नहीं है, पता नहीं क्यों शायद यहाँ लेट दुकान खुली है क्या मालूम नहीं है नॉलेज। और पता है दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर आने वाले हैं जिनकी एनिवर्सरी है, वो लोग अभी कोई भी नहीं आए हैं। और हम लोगों को ये मैसेज था कि 10 बजे सारे लोग फंक्शन शुरू हो जाएगा ना, बारिश होने की वजह सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो अभी जितना भी टाइम लगेगा जो भी होगा अब सवाल कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो फिर ऐसे तो हम लोग जा नहीं सकते, भले ही रात हो जाए वापस हमको जाने में। तो ये हाल है। और हम लोग सोच रहे थे कि चप्पल की अगर दुकान मिल जाए तो वही हम लोग पैक करवा लेते हैं ना, कुछ भी मिल जाए। पर कुछ भी का मतलब ना कुछ भी नहीं मिला। और वापस आते टाइम हम लोगों ने रिक्शा किया, तब यहाँ गार्डन में पहुँचे। और यहाँ भैया और देवर जी लोग परेशान हो रहे थे कि हम लोग कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए और अभी बैठ के आराम कर रहे हैं। हम लोग औरतों से सब लोग यही डरते रहते हैं, कहीं रील्स भी नहीं बना रहे हैं दोस्तों, इतना पैर दर्द करने इतनी पागल है ये औरतें, पागल होती है कि कहीं खो ना जाए। ये हाल रहता है।